स्वागत है आपका मेरी चैनल लोकेंद्र जी की रेमेडी में। दोस्तों आशा करता हूँ आप सुखी समृद्ध और संपन्न होंगे। इसके साथ साथ खुश रहना बहुत ज़रूरी है। खुश रहने से दोस्तों काफ़ी सारे काम और आने वाली समस्याएं अपने आप खत्म हो जाती हैं और काम अपने आप बनते चले जाते हैं, क्योंकि मनोबल कई गुना अधिक बढ़ जाता है। और जिसके पास मजबूत मनोबल होता है उसके सामने छोटी मोटी समस्याएं ऐसे ही नहीं टिक पाती हैं। दोस्तों आज की वीडियो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहें ऐसा विषय लेके आया हूं मैं। ये बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल उपाय है ये। इस उपाय को करके घर से जब भी आप निकलेंगे, चाहे आप किसी भी काम से निकल रहे हैं, जैसे कितनी बार कोई बड़ी बिजनेस डील है, घर से शहर से बाहर जाना पड़ रहा है, कितनी बार घर से काफ़ी दूर मतलब फॉरेन तक जाने के लिए लोग निकलते हैं, तो दोस्तों इसमें ये ध्यान रखना है कि परेवा का दिन जो आता है, पूनम के बाद परेवा आती है, अमावस्या के बाद की परेवा आती है, महीने में दो बार परेवा आती है। परेवा का दिन घर से बाहर जाने के लिए शुभ नहीं माना जाता दोस्तों। इसमें क्या होता है कि काम तो नहीं बनता है, अगर आप गए तो वो काम तो नहीं बनना है, लेकिन उसके बाद आपका अपमान भी हो सकता है, आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, तो ये सब चीज़ें मायना रखती हैं दोस्तों। कहा गया है, पंडितों ने भी बताया है कि कभी भी कोई भी शुभ काम करने के लिए मुहूर्त देखा जाता है, और शुभ मुहूर्त में ही जब किसी काम की शुरुआत की जाती है या घर से इतने टाइम निकलो, इस टाइप के मुहूर्त बनते हैं। शादियों के भी मुहूर्त होते हैं दोस्तों, ऐसे ही कोई अपने आप चले जाओ और किसी भी दिन शादी करके आ जाओ, ऐसा शायद आपने आज तक नहीं देखा होगा। तो इसी टाइप से जैसे गृह प्रवेश है, बहुत सारी चीज़ें जो शुभ होती हैं उनके लिए शुभ मुहूर्त देखे जाते हैं। तो इसी तरह से आपको एक छोटा सा उपाय करके और घर से अपने जिस काम के लिए आप निकले हो वहाँ के लिए जाना है दोस्तों। ये उपाय मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों, मेरी चैनल में जो भी नए व्यूअर आए हों मेरी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, उसके साथ साथ बेल बटन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आसानी से आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों आपको करना क्या है, मैंने स्पेशल तिथि परिवार पे आपको बताया है। जो हमारे कई भाई ऐसे हैं कि उनको पता ही नहीं होता है कि ऐसा भी कुछ होता है, पर ये नेगेटिव असर अपना ये तिथि नहीं छोड़ती है। इस दिन क्या हुआ था दोस्तों, महाभारत के समय, और अगर मंगलवार का दिन हो और परेवा तिथि हो तब तो दोस्तों ये बहुत ही खराब दिन माना जाता है। इस दिन को आप बन सके तो अपना बाहर जाने का प्रोग्राम टालें, और अगर नहीं टलता है किसी भी कारणवश तो दोस्तों मैं ये जो उपाय बता रहा हूँ ये उपाय अवश्य करके घर से निकले तो आपका काफ़ी कुछ बचाव हो सकता है। तो चलिए दोस्तों आपको करना क्या है, आपको जब भी आपको बाहर जाना है किसी भी काम से,
आपको काली मिर्च आती है, छोटे छोटे दाने होते हैं काली मिर्च के, वो काली मिर्च ले लेनी है और उसको अपने मेन गेट पे एक साइड में डालें और उसके ऊपर पांव से मसलते हुए उसको फिर बाहर निकले। क्या करना है, काली मिर्च ले लेनी है आपको और उसको दाएं पांव से मसल के पांव के नीचे दबा के और थोड़ा सा पैर उस पे ताकत से घस दे, उसको मसलते हुए और आपको चले जाना है आपके काम से। दोस्तों आपका जाना या आप जिस काम से भी जा रहे हैं आप उसमें सफल होंगे, ये एक उपाय हो गया। दूसरा, आपको थोड़ा सा गुड़ ले लेना है। क्या करना है, दूसरा उपाय ये होगा कि आपको थोड़ा सा गुड़ ले लेना है और उस गुड़ को आप लेके आपके घर का दरवाज़ा है, जैसे आप फ्लैट में ले रह रहे हैं या कोई बिल्डिंग में है तो आपका एक ही दरवाज़ा होगा, उस दरवाजे पे साइड में गुड़ डाल दें, इसे उसको मसलना नहीं है, गुड़ सिर्फ डाल देना है। और दूसरा, आपका जो मेन गेट है जैसे बंगलोज हैं या कोठी है तो मेन घर से बाहर निकलेंगे वहाँ एक दरवाज़ा है और दूसरा मेन गेट है कंपाउंड के पास वाला, तो वहाँ भी आप ये गुड़ कहाँ डालना है, आपको बाईं तरफ घर से निकलते बाएं हाथ पे बिल्कुल मेन दरवाजे में थोड़ा सा टुकड़ा छोटा सा वहाँ डाल के और पीछे देखे बिना आपको चले जाना है। दोस्तों आप जिस काम से भी जा रहे हैं, चाहे आपका कोई भी काम है कैसा भी, एवरीथिंग कोई भी काम है, आप उस काम में आपको सफलता मिलेगी। परिवार के दिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, महाभारत में द्रौपदी का जो चीरहरण हुआ था उस दिन मंगलवार और परिवार का दिन था, तो इस दिन में काम तो नहीं बनते हैं उल्टा नुकसान भी होता है, मान हानि भी होती है, अपमान होता है, बेइज्जत होते हैं, तो ये सब इस दिन का प्रभाव है और ये दिन शुभ नहीं माना जाता है। तो दोस्तों जहाँ तक बने तो परिवार के दिन आप कोई भी बाहर जाना टालें और अगर नहीं टलता है तो ये जो मैंने बताया है ये उपाय करके घर से निकलिए, आपके काफ़ी सुरक्षा हो जाएगी। दोस्तों ये उपाय बहुत ही कारगर है और सरल है, करने लायक है, करते रहिए। अगर इस वीडियो में या क्रिया में आपको करने में कहीं कोई असुविधा होती है या समझ में नहीं आता है तो दोस्तों पूछे अवश्य। नमस्कार।